हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बारे में जानेंगे। क्वेरी यहाँ स्मॉल में है, सेलेक्टर का एस कैपिटल है, ऑल का ए कैपिटल है और बिटवीन पैरेंथेसिस आप सीएसएस सेलेक्टर लिखते हैं। अब सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर देख रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसको दोबारा से डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ जानते हैं कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड क्या करता है। द मेथड क्वेरी सेलेक्टर ऑल रिटर्न्स अ स्टैटिक नोड लिस्ट रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एलिमेंट दैट मैच द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सेलेक्टर और अ सिंगल सीएसएस सेलेक्टर। द नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। द नोड्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स नंबर। द इंडेक्स स्टार्ट्स एट जीरो। यू कैन यूज द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ द नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मैच द स्पेसिफाइड सेलेक्टर। Then you can loop through all elements and extract the info you want. If the specified selectors include a CSS pseudo element, the returned list is always empty. So, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि इस केस में स्टैटिक है, यानी कि लाइव नहीं है। और चूँकि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, ऐसा समझ सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, यानी कि पहले एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो जीरो इंडेक्स से आप लिखिए, वो एक्सेस होगा। दूसरे के करना है तो वन इंडेक्स पर, तीसरे को करना है तो सेकेंड इंडेक्स पर। इस तरीके से वो इंडेक्स बढ़ता जाएगा और आप उसको एक्सेस कर सकें, यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आप एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। आप लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लेंथ भी निकाल सकते हैं और उस लेंथ के जरिए लूप भी यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आप सूडो एलिमेंट्स लिखते हैं, इफ़ द स्पेसिफाइड सेलेक्टर इंक्लूड अ सूडो एलिमेंट, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। जो भी लिस्ट रिटर्न होगा वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा। एग्जांपल इसका देखते हैं, कुछ इस तरीके से है। सीएसएस सेलेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी सेलेक्टर जो कि सीएसएस सेलेक्टर होना चाहिए, वैलिड सीएसएस सेलेक्टर होना चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं बिटवीन पैरेंथेसिस। सो एलिमेंट सेलेक्टर एक होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे सेलेक्टर्स के बारे में बताया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, दोबारा से यहाँ नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट में। एलिमेंट सेलेक्टर तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ मैंने टैग का नाम लिखा यानी कि एलिमेंट का नाम लिखा। अगर मल्टीपल लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप यहाँ दे सकते हैं। क्लास सेलेक्टर, इस तरीके से क्लास सेलेक्टर लिखना है, इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यानी कि पी टैग के अंदर माई क्लास हो, सिर्फ उसी का लिस्ट रिटर्न हो। उसी तरीके से चाइल्ड सेलेक्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन क्लास सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको स्किप किया था, यानी कि क्वेरी सेलेक्टर वाले मेथड में हम लोगों ने इसको स्किप किया था, वहाँ भी आप इस क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से आपने एक एट्रीब्यूट इसमें लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि डिव में वैसा डिव जिसका एट्रीब्यूट एक आईडी होना चाहिए। उसी तरीके से एक और देखिए, क्वेरी सेलेक्टर ऑल डिव, ऐसा डिव जिसमें आईडी एट्रीब्यूट होना चाहिए और उस आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू होना चाहिए गिक, सो वो रिटर्न होकर दिखाई देगा। याद रखिएगा, इसको आप डबल कोट से लिखते हैं तो इसके अंदर वाला आपको सिंगल कोट से लिखना है, या फिर बाहर वाले को अगर सिंगल कोट से लिखेंगे तो अंदर वाले को डबल कोट से लिखना है। चलिए इतना एग्जाम्पल में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या हमें डिस्कस करना है। HTML का पहले कोड देख लीजिए। HTML ओपन, हेड ओपन, मेटा है, इसके अंदर टाइटल है, इसका क्लास गिक है। हेड क्लोज, बॉडी ओपन, इसके अंदर एक H1, इसके अंदर एक और H1, इसका क्लास मैंने गिक और माई क्लास दिया हुआ है। H2P, इसका क्लास गिक है, इसके बाद P, इसका क्लास माई क्लास है। Div, इसकी ID 100 है, यहाँ एक P है जिसका क्लास गिक है, यहाँ एक ये Div क्लोज, यहाँ एक P है जिसका ID 101 है, यहाँ एक Div है जिसका ID 102 है। यहाँ हमारा स्क्रिप्ट टैग ओपन होता है, यहाँ हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और यहाँ बॉडी क्लोज, और यहाँ HTML क्लोज। होपफुली आपको सारा कोड समझ में आया होगा, बिकॉज ये सिंपल सा HTML CSS है। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्वेरी सेलेक्टर जिसमें हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल देख रहे हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर सबसे पहले देखेंगे। एक अगर आपको क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस्तेमाल करना है साथ में एलिमेंट सेलेक्टर का, तो कैसे लिखेंगे एक्सेस करने के लिए। एलिमेंट का मतलब होता है टैग का नाम, आपको यहाँ देना है। क्वेरी लिखा और सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर आप लिखते हैं
अपने एलिमेंट का नाम या फिर टैग का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने पी लिखा, अब ये मुझे क्या करेगा कि ये चूँकि डॉक्यूमेंट के साथ है तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा कि कहाँ कहाँ पर पी टैग है। तो ये ऊपर से सर्च करता हुआ आएगा, एक पी इसको यहाँ मिलेगा, दूसरा पी इसको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा एक, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो ये इन सभी पी को एक लिस्ट बनाकर इस मेथड के साथ रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग इसको स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल बनाकर स्टोर कर लेते हैं। मैंने वेरिएबल बनाकर इसको स्टोर कर लिया। ये जो मेथड है ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा कि कहाँ कहाँ पी टैग है और उसका एक लिस्ट बनाकर इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर देगा। अब इस रिज़ल्ट को आप चाहें तो अभी देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ रिज़ल्ट करते हैं और यहाँ हम लोग कॉन्सोल लॉग करते हैं। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑब्जेक्ट नोड लिस्ट। इसको हम लोग कॉन्सोल लॉग में देखते हैं, डेवलपर टूल्स में चलते हैं और यहाँ आपको प्रॉपर नोड लिस्ट मिल जाएगा। देखिए पहला जो पी मिला है वो पी क्लास नेम जिसका गिक है, दूसरा हमें पी मिला है जिसका क्लास नेम माई क्लास है, तीसरा से पी है इसका कोई क्लास नेम नहीं है, और एक चौथा हमें मिला है जिसका पी इसका भी गिक क्लास है, और एक लास्ट में पी मिला है जिसका आईडी सो है। ओके, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो इंडेक्स पर ये वाला पहला वाला है, वन इंडेक्स पर सेकेंड वाला, इसी तरीके से ये इंक्रीज होता जाता है। ओके, सो पी लिखा आपने तो पूरे डॉक्यूमेंट में ये सर्च किया कि कहाँ कहाँ पी है, उसका एक लिस्ट बनाया, रिजल्ट को रिटर्न किया और आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने ब्राउज़र में उसको देखा। आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पी और एच वन दोनों चाहिए, तो मैंने पी कॉमा एच वन लिख दिया, सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ मुझे एच वन और पी दोनों ही मिलेगा। एच वन मिला, एच वन, ये पी, ये पी 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 पी। ओके, ये क्या करता है कि ऊपर से सर्च करता हुआ आएगा, इसको एच वन मिल गया, चलिए ये ज़ीरो इंडेक्स पर चला गया, फिर से एक एच वन मिला ये वन इंडेक्स पर, इसी तरीके से ये एक पी तो ये टू इंडेक्स पर, इस तरीके से ये तो ये थ्री इंडेक्स पर, इस तरीके से सर्च करता जाता है और एक एक इंडेक्स पर सीरियल नंबर के साथ यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करता हुआ इंडेक्स पर रखता जाता है, जो कि रिजल्ट में जाकर फाइनली लिस्ट पूरा रिटर्न होता है। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा देकर मोर देन टू भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ लिखेंगे एलिमेंट सेलेक्टर तो एलिमेंट सेलेक्टर ही लिखना है, आप कॉमा देकर एक आईडी लिखिए, जैसे कि मैंने सो टू लिखा जो कि यहाँ है डिव में। सो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि ये पी एच वन को भी सर्च करेगा, पी को सेट सर्च करेगा और सो टू जो हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है एक आईडी ये भी सर्च करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्टर भी आप एक पैरेंथेसिस में पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। सो ये है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर विद क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड। अब बात करते हैं आईडी सेलेक्टर की, सेम वही है, ये क्या करेगा लिस्ट रिटर्न करेगा। तो वेयर रिजल्ट एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें स्टोर करूँगा मैं, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ आपको एक डबल कोट्स के अंदर एक आईडी लिखना है। सो मुझे सो वन आईडी जहाँ जहाँ है, हालांकि आईडी हमेशा यूनिक लिखा जाता है हर एक एलिमेंट के लिए, बट फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए यूनिक नहीं है किसी कारण से, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये पूरा लिस्ट रिटर्न करेगा यहाँ रिजल्ट के पास, जिसको आप फर्दर यहाँ चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। सो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट लिखा, कॉन्सोल लॉग डॉट रिजल्ट लिखा, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करते हैं तो सो वन आईडी जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आपको दिखाई देगा। सो वन आईडी सिर्फ एक जगह पर है तो हमें सिर्फ उसी पी को रिट्रीव करके यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, एक नोड लिस्ट ही रिटर्न करता है, यानी कि मोर देन वन अगर सो वन रहे, जैसे कि यहाँ भी अगर आप वन कर देते हैं, सेव करते हैं, अब इसमें भी आईडी सो वन है, इसमें भी आईडी सो वन है, तो इस केस में चलिए देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको दो, एक जीरो इंडेक्स पर पी के साथ सो वन और वन इंडेक्स पर डी के साथ सो वन आपको यहाँ दिखाई देता है। वापस इसको टू कर देता हूँ मैं, और यहाँ आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे कि सो वन दिया, साथ में मैंने हैज़ देकर सिर्फ सो भी लिख दिया। सो आईडी यहाँ मौजूद है, याद रखिएगा जो
यहाँ मौजूद होना चाहिए, जो भी आप यहाँ दे रहे हैं सर्च करने के लिए वो आपके HTML में मौजूद होना चाहिए। जैसे कि मैंने आईडी दिया सो, तो मेरा सो यहाँ पहले से मौजूद है, मैंने लिख के रखा हुआ है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो ये दोनों ही आईडी को सर्च करके आपको रिजल्ट रिटर्न करके देगा, एक डिव सो और ये सो वन। सो ये था आपका आईडी सेलेक्टर विथ क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड। अभी हम लोग इसमें क्लास सेलेक्टर देखेंगे। क्लास सेलेक्टर के लिए वही एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, तो वेर रिजल्ट इक्वल देन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना है डबल कॉट्स के अंदर। सो मैं देख लेता हूँ कि मेरे क्लास का क्या नाम है। मेरे क्लास का नाम एक गीक यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे मान लीजिए गीक नाम से जितने भी क्लास हैं सभी को देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं डॉट गीक लिख देता हूँ और इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ये वही है, इस ये इक्विवेलेंट है किस चीज़ की, ये इक्विवेलेंट है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जो आप लिखते हैं तो उसके इक्विवेलेंट आप इसको कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और रिजल्ट, मतलब यहाँ जो चीज़ें आपको मिल रही है वही सेम चीज़ आपको उस मेथड से भी मिली थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ रिजल्ट। सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये जहाँ जहाँ भी गीक क्लास होगा वो सबको रिटर्न करके ये देगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ गीक क्लास भी है और माई क्लास भी है, तो ये इसको भी रिटर्न करके आपको देता है। आप चाहें तो यहाँ मोर देन वन क्लास भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक तो गीक लिखा और कॉमा देकर दूसरा क्लास नेम लिखा माई क्लास। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये दोनों को ही सर्च करेगा और दोनों के अकॉर्डिंग जो भी मिलेगा इसको उसको इंडेक्स नंबर पर लगाता हुआ आपको यहाँ दिखा देगी कि टाइटल में गीक है तो इसने ये रिटर्न कर दिया। इस H1 में गीक और माई क्लास दोनों है तो ये इसको रिटर्न करेगा ही करेगा, और P में गीक है तो इसको रिटर्न किया, इस P में माई क्लास था तो इसको भी रिटर्न किया है, और इसमें गीक था तो इसको भी रिटर्न किया गया है। और ये रिटर्न क्या करता है, एक नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ध्यान में ये रखना है। ओके, सो ये हमारा क्लास सेलेक्टर यहाँ से खत्म होता है। अभी हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है जो कि है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आई गेस, मतलब जब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर मेथड पढ़ रहे थे तब वहाँ मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में आपको ऐसे ही बता दिया कि हाँ आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका एग्जाम्पल आपको वहाँ नहीं दिखाया था। बट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल में सेम चीज़ को आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वहाँ क्या होगा, वहाँ एक लिस्ट रिटर्न ना होकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट ही रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ आपको एक लिस्ट मिलता है। सो यूज़ करने का दोनों का तरीका सेम है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। सो वेर रिजल्ट, इसमें भी एक वेरिएबल चाहिए बिकॉज ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो रिजल्ट ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बार बार यहाँ रिजल्ट लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आपको रिजल्ट ही लिखना है। देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ आपको लिखना है एक एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट आप बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट विथ वैल्यू लिख सकते हैं या फिर सिर्फ एट्रीब्यूट लिखिए। जैसे कि मुझे यहाँ कहीं आईडी आपको दिख रहा है, देखिए आईडी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया। अब मुझे मान लीजिए कि वैसे डिव को सिलेक्ट करना है जिसका एट्रीब्यूट आईडी होना चाहिए। ओके, यहाँ से इस डिव, अच्छा अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक, या फिर एक और डिव बनाते हैं यहाँ, इसमें हम लोग हेलो माय नेम इज डिव सेव कर दिया मैंने। ठीक है, इस डिव में आईडी एट्रीब्यूट नहीं है, इस डिव में आईडी एट्रीब्यूट है, इस डिव में आईडी एट्रीब्यूट है, इस डिव में आईडी एट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम लोगों को वैसे डिव को एक्सेस करना है जिसका एट्रीब्यूट आईडी हो, तो हम लोग उसको यहाँ कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वेर रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ आपको लिखना है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। कैसे लिखना है, डबल कॉट्स देना है, देन डिव यानी कि वैसा डिव, और जो एट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, तो वैसा डिव जिसका एट्रीब्यूट आईडी है वह आपको रिटर्न करके ये देगा लिस्ट के तौर पर। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देख लीजिए ये क्या रिटर्न करता है। सो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लिया रिजल्ट को, और डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग भी कर लिया इस रिजल्ट को। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक डिव मिलेगा जिसमें आईडी है सो, एक डिव मिलेगा जिसमें आईडी है सो टू, एक और डिव है हमारे पास ये वाला, लेकिन इसमें आईडी एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए आपको ये रिटर्न होकर नहीं मिल रहा है इस लिस्ट में।
ओके सर, आपने क्या किया, आपने कहा कि पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करो कि कौन से डिव का एट्रीब्यूट आईडी है, और वह आपको रिजल्ट में रिटर्न करके मिलेगा जिसको आपने यहाँ शो किया हुआ है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर में आप स्पेसिफाई ये भी कर सकते हैं कि वैसा डिव मुझे चाहिए जिसमें आईडी एट्रीब्यूट हो और आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू सो, तो वैल्यू को मैंने सिंगल कॉट के अंदर में लिखा हुआ है। सेव करते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ एक ही डिव है जिसका आईडी एट्रीब्यूट सो है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ देखेंगे सिर्फ एक ही आपको रिटर्न होकर मिलेगा जीरो इंडेक्स में। बाकी डिव, इस डिव में भी आईडी एट्रीब्यूट है बट इसका जो वैल्यू सो टू है ना कि सो, इसलिए आपको ये रिटर्न होकर नहीं मिल रहा, सिर्फ यही रिटर्न होकर मिलेगा। ओके सो बस इतना ही है इसमें। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में आप देखिएगा मेरा सी एस एस एच टी एम एल का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सी एस एस वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि कौन कौन सा सेलेक्टर होता है और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। जितना भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल के साथ यहाँ लिख कर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।